मतलब हमारे भारत के जो आशिक है वो हर जगह देखने को मिल जाएंगे आपको, देख सकते हो। हर एक हमें क्यों हर एक हर एक दीवार हर एक दीवारों पर जो है ना उनके उन्होंने नाम नाम लिख के चले गए। मतलब आज नया साल है, आज घूमने आए हुए हैं हम, पुराने किला आए हुए हैं, पिछली बार किला है तो ये बड़ा तो होगा ना, किला है तो बड़ा तो होगा ही। आप देख सकते हो ये फ्रंट लुक है इसका। हम तीनों दोस्त यहाँ पे घूमने आए हुए हैं आज पुराने किला नए साल के दिन। ट्रिप हो रही है पुराने किला का, ये अभी एंट्री किए हुए हैं हमें, अभी जा रहे हैं अभी घूमने, अभी आगे देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। तो वैसे कोरोना की वजह से भीड़ कम है यहाँ पे अभी, है ना, नहीं तो नए साल के दिन अगर आप आते अगर मतलब तो पहले तो भीड़ बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन अभी भीड़ बहुत कम है क्योंकि कोरोना की बीमारी जैसे इधर बढ़ रहा है तो लोग इधर कम घूमने आते हैं। यहाँ पे एक फिल्म की भी शूटिंग हुई है शायद, एक फिल्म के गाने की, वीर ज़ारा मूवी का जो गाना है वो यहाँ पे शूटिंग हुआ। वो पीछे जो है आपके सामने दिखेगा भी, वो पुराना किला का जो खंडर टाइप में है, लेकिन वहाँ पे शूटिंग हुआ था वीर ज़ारा का। हाँ। जानम देख लो मिट गई दूरिया का थोड़ा सा सीन है वहाँ पे। हाँ। सो बेटर है ये आगे की साइड है ना। हाँ जी हाँ जी, ये आगे आगे की साइड मैं आपको जो, और ये बड़ा अच्छा यहाँ पे दिखाऊंगा उस जगह को, मतलब अच्छा है घूमने लायक, अच्छा क्लीननेस है। हाँ क्लीननेस तो है, मतलब पहले से अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है, मतलब बेटर कंडीशन बना रखा, बहुत ही अच्छा कंडीशन बना रखा है इन्होंने अभी, देखते आगे। इसमें अगर आप पुराने किला अगर घूमने आ रहे तो आपको जो है ना दो टिकट लेना पड़ेगा, एक तो मतलब पुराने किला जो आप जो भी है वो घूम सकते हैं, साथ में उसके अंदर म्यूजियम भी है। तो इसका टोटल जो किराया पड़ता है ना इसका, ये पड़ता है आपको 30 रुपये पड़ता है, 25 रुपये आपका पूरा पुराने किले घूम लेगा और 5 रुपये पड़ता है आपका म्यूजियम का। हाँ अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ मतलब पुराने किले के अंदर खाने पीने का सामान आप लेके नहीं आ सकते, ठीक है, ये प्रोहिबिटेड है। और मतलब सेल्फी स्टिक वगैरह भी आप नहीं ला सकते, आप रूम नंबर 5 में जाके आप जमा करवा सकते हो उसे। देखिए ये जो है ना अपना दोस्त जो है, क्या नाम है इसका, श्वेतांग सत्यम, क्या कह रहा है ये इनके बारे में, ये हैं, ये इनको जानते हैं, ये है अपने असलम और ये है श्वेतांग। हेलो गाइस, राम राम। ये गाय जो है क्या लगा रखे हो, ये हिमायूं दरवाजा है ये वाला, ये कंडीशन इसका ठीक है, ठीक तो नहीं कह सकते, ख़राब हो गया लेकिन फिर भी बहुत पुराना है तो उस हिसाब से ठीक है कंडीशन अभी इसका। जस्ट बगल में ये पूरा मॉन्यूमेंट है, ये वाला भाग पूरा, ये दरवाजे मतलब दरवाजे से जो होता है ना एक बाउंड्री एक टाइप का है ना, वही है ये पूरा। अब तो इसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है, ये पूरा लास्ट पॉइंट है यहाँ पे। आप देख सकते हो यहाँ पे दरवाजे के बारे में बताया गया है ये कि यद्यपि यह दरवाजा हिमायूं दरवाजा के नाम से जानते हैं, मतलब इसको हिमायूं दरवाजा तो बोलते हैं लेकिन इसको इसका कुछ पार्ट जो है ना किन्होंने बनाया था, इन शेर शाह ने इसका कुछ पार्ट बनवाया था। ये अपना हुमायूं का दरवाज़ा, यहाँ पे इंडिकेट किया गया है कि कहाँ कौन सी चीज़ें कहाँ पे है। इसमें हिमायूं का दरवाज़ा जो सामने जो था इसको हम देख चुके हैं, और ये इस साइड है अपना एक्सिक्यूटेड रिमेन्स, मतलब जो भी मतलब खुदा खुदा जो भी हो उस टाइप का। और यहाँ पे है टॉयलेट, और इस साइड जो है अपना इस तरफ है अपना शेर मंडल है ना, शेर मंडल है इधर, चलते घूमते हैं शेर मंडल में। ये
ये पूरा ये पुराने किला का ही भाग है, ये पूरा मतलब अभी तक पूरा खंडहर बन चुका है, देख सकते हो पूरा इतना पेड़ पौधा पूरा हरियाली है कि नहीं। ये है पूरा, आगे की तरफ जाते हैं, देखते हैं क्या क्या, आपको बताता हूँ फिर मैं। ये पूरा अंदर का ही भाग है, ये पूरा लाल किला है, लाल पुराने किला। तो मैं तो नहीं था। ये पूरा जो है ना पुराने किले के अंदर का पूरा ये भाग है, ये पूरा उसी का पार्ट है। पहले यहाँ पे कुछ फील्ड वगैरह रहा होगा लेकिन अब तो पूरा ख़त्म हो चुका है ना, ये देख सकते हो आप तो पूरा। ये पीछे का पार्ट है जहाँ पे अभी कुछ काम चल रहा है, तो शायद यहाँ पे एंट्री वगैरह बंद होगा। नहीं एंट्री तो है लेकिन हम फिलहाल अभी हम कहाँ से घूमने चलेंगे, इधर चलेंगे क्या? इधर से चलेंगे। ठीक है फिर यहीं से घूमते हुए जाते हैं, देखते हैं क्या क्या है। मतलब यहाँ पे कुछ काम चलते रहता है ना, जो बिल्डिंग वगैरह का है ना रख रखाव होगा, तो इसमें जो मजदूर वगैरह हैं यहीं पे रहते हैं, उनके रहने की जगह है ये। ये देखो पूरा पार्टी है, पूरा ये जंगल है एकदम, तो चारों तरफ से जो है ना पूरा जंगल है ये, देखते हैं आगे। ये पूरा पार्ट, ये पूरा है ये वाला, अच्छा लग रहा है वैसे घूमने, मतलब सही है चारों तरफ, मतलब ठीक ही है, एक हालत ख़राब कर रखी है ना, साफ़ सफाई वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे। साफ़ सफाई के मामले में देखा जाए तो कंडीशन यहाँ पे अंदर के साइड मतलब कंडीशन जो है ना खराब खराब है साफ़ सफाई के मामले में, है कि नहीं? साफ़ सफाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। देखो आप अंदर, हाँ पूरा जंगल है ना, पूरे चिड़ियाघर के वाला ना पार्क, चिड़ियाघर का पार्क है। यहाँ पे जानवर वगैरह हिरन वगैरह नीचे हैं, हिरन नीचे है। ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे पानी पानी से आया ना। देखो ये पहला पार्ट जो है ना पूरा, ये बाउंड्री है, ये पूरा है ना, ये पूरा बाउंड्री है। ये पूरा ये पुराने किला का जो है ना, ये छत है एक तरीके से, उस पर छत पे आया हुआ है, यहाँ से नज़ारा है पूरा ये पुराने किला का। आप देख सकते हो अभी हम नीचे थे वहाँ पे उस जगह पे, तो यहाँ से ये पूरा है पार्ट है, पूरा ये छत ही है एक तरीके से है ना, पूरा ये छत है ये। देखो इसके पीछे ये वाला पार्ट है ये पूरा, ये जो है ना ये इसका चारों तरफ से ये बाउंड्री की तरफ है, ये वाला जो है पार्ट पूरा बाउंड्री है ये, देख रहे हो आप पूरा पूरा ये जो बन के गया हुआ है ये वाला पूरा, ये चारों उधर से उधर उधर तो पूरा बाउंड्री है ये, है ना, तो बाउंड्री का एक ये छत है ये पूरा। अब आप देखो, आप मैंने आपको नीचे दिखा रहा हूँ, ये देखो यही पे बगल में यहाँ पे वो है चिड़ियाघर है, और ये चिड़ियाघर में है ये जानवर है, ये पुराने किला के बगल में ही है चिड़ियाघर। बड़े बड़े होटलों या वो कहीं तो हिरन का भी मांस वो होता है, ये पूरा हाँ भैया हिरन का मांस खाते हैं। कहाँ पे? बहुत जगह खाते। अभी हम वहाँ पे जाने वाले हैं जो सामने आपको दिखा रहे हैं गुंबद, वहाँ पे अभी जाएंगे, उसके बाद ये अभी पूरा घूमना है हमें। हमने तो अभी लगभग इसका 25% ही हमने पार्ट अभी घूमा है, अब इसका पूरा पार्ट घूमना है। ये देख सकते हो अभी यहाँ से पूरा दिखाई दे रहा है ये चारों तरफ जो है आपका, और ये सामने जो है से आपको एक गुंबद दिखाई, शायद इस मोबाइल में दिखाई नहीं देगा, सामने जो है गुंबद है ना वो गुंबद जो ऐसे है कि असलम वो वाला सामने वाला गुंबद कौन सा है? हुमायूं का मकबरा। वो जो सामने जो आपको गुंबद दिख रहा है उसको, वो है आपका हुमायूं का मकबरा है ये,
है ना। और ये जो व्हाइट देख रहा है वो इंद्रप्रस्थ का महात्मा बुद्ध का कुछ स्टैंपल है ये। अच्छा, ये वाला महात्मा बुद्ध का है। हाँ जी, ये वाला जो आपको व्हाइट में जो दिख रहा है आपको एक टेम्पल टाइप का है, वो भी बड़ा टेम्पल है, भी उनका महात्मा बुद्ध का ना, महात्मा बुद्ध का बुद्ध या गौतम जो भी है। हाँ भाई, वही है गौतम बुद्ध महात्मा। ठीक, ये जो सीढ़ी था ये पूरा, ये आपका मोबाइल हमारे पास है, कितने का? अरे भाई साहब, ये वैसे यहाँ पे जो ना जो काम करते हैं जो वो यहाँ पे रहते हैं, तो उनके उनके ही सामान कुछ पड़े हुए हैं यहाँ पे। आगे आगे के साइड हम जा रहे हैं, ये पूरा जंगल है, ये चढ़ाव जो है ना चढ़ाव बहुत ही तगड़ी वाली है, ये आराम से जाना पड़ेगा, ना फिसल गया ना अगर तब तो हो गया कल्याण फिर। इधर बहुत ही गड्ढा टाइप में है, गिरोगे तो दिक्कत है। हाँ, पैर टूट सकते हैं, पत्थर उत्थर है, चोट लग जाएगा। चढ़ने का जगह है भाई, चढ़ने का जगह है। पार्क है ये वाला, क्या क्या देखें अपने इंडिया के जितने मॉन्यूमेंट है ना वहाँ पे खास बात देखने को मिलता है। ये जो है ना, ये जो आशिक जो है यहाँ के इंडिया के, मतलब हमारे भारत के जो आशिक है, हर जगह देखने को मिल जाएंगे आपको, देख सकते हो। हर एक दीवारों पर जो है ना उनके उन्होंने नाम लिख के चले गए, मतलब ये मतलब खराब लगता है यार, मत लिखा करो। अभी हम मतलब जिस पार्ट से आ रहे थे, पूरा जंगल का जो एरिया था, उसके बाद जो है ना हम इसके पुराने किले के मेन मतलब एक मस्जिद में आए, और उस मस्जिद में किला ए कोना मस्जिद, जिसको मतलब पुराने किले की मस्जिद भी कहते हैं ना, शेर शाह द्वारा 1541 में बनवाया गया था। अब हम इसको ही देखने जा रहे हैं कि क्या है कंडीशन इसका। कंडीशन मुझे सबसे बेहतर लग रहा है अभी तक मैंने जितने भी मतलब किला मतलब किला का जो भी मैंने देखा अभी, उसमें सबसे अच्छा कंडीशन इसी का लग रहा है। यही है मस्जिद, पुरानी किले की मस्जिद। यही पे जो है ना वीर जरा की जो है ना जो उसमें गाना है उसकी भी शूटिंग यहाँ पे हुई है। ये पूरा है ये वाला पार्ट, इसका कंडीशन मुझे सबसे मतलब अभी जो कंडीशन देखा जाएगा मस्जिद मतलब यहाँ पे पुराने किले में, तो इसका कंडीशन अभी ठीक ठाक है, बहुत ही बेहतरीन है, अभी अच्छे हालात में है अभी, है कि नहीं, आपको देखने से अभी मालूम चल ही रहा होगा। इनका कंडीशन आप देख ही सकते हो कितना अच्छा है कि नहीं, इसको अंदर से भी देखते हैं कि क्या कंडीशन है। वाह, कितना बड़ा है ना ये, देख ही सकते हो, बहुत ही बड़ा है, मतलब स्पेस बहुत ही बड़ा है अंदर से भैया, ठीक है बिल्कुल प्रिजर्व है। ये भी एक गेट टाइप का ही है ना, ये वाला बड़ा वाला, यहाँ से ये पूरा ये गेट है ही, और इसके चारों तरफ जो है छोटे छोटे कोठरी है, रूम नहीं कह सकते, छोटा छोटा, हाँ मतलब रूम ही है छोटा छोटा, और ये पूरा दरवाज़ा है ये वाला, और ये छोटे छोटे से रूम है बहुत सारे हैं इधर, लाइक लाइन से है। अभी तो खैर इसके अंदर मैं गया हुआ था, मतलब ऊपर चढ़ा था जब मैं, तो वहाँ पे गया था, तो उसमें बंद है सब रूम, ये वाला पूरा छोटा छोटा सा रूम है ये। और ये जो है ना ये अपना चाहिए, ये रूम दिख रहा है आपको, इसके इस साइड जो है ये बिल्कुल ये एक तरीके बाउंड्री है, वाला जो ऊपर वाला जो दिख रहा है आपको वो बाउंड्री है, इसके नीचे रूम है, फिर ये यहाँ से फिर ये पूरा गार्डन है।
ये है तलाकी दरवाज़ा। इस पूरे मतलब अभी तक जो घूमे हैं हम, उसमें बड़ा दरवाज़ा और तलाकी दरवाज़ा ये सब हम घूम चुके हैं। तब ये अब लास्ट अब आ चुके हैं हम एंडिंग पॉइंट पे। अब यहाँ से हम एग्जिट करेंगे, यहाँ से एग्जिट करने जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे और क्या घूमे, शेर मंडल, किला, कोहा मॉस्क, ठीक है, ये सभी जगह था घूमने का जो हम घूम चुके हैं। अब जा रहा हूँ एग्जिट करने। भाई कैसा लगा भाई तुम लोगों को? बहुत बहुत मजा आया दीप भाई, बहुत जबरदस्त। अच्छा है, जगह अच्छा है। अरे हाँ, और मास्क भी पहन लो, क्या पर है कि नहीं मास्क, क्या बात है, सुल्तान ने पहले मास्क पहन रखा है। चलो अच्छी बात, क्योंकि हाँ जहाँ मतलब लोग अगर भीड़ भाड़ ज़्यादा हो ना, वहाँ मास्क पहनना चाहिए, है कि नहीं। ये था अपना एग्जिट। तो अगर कुल मिला के देखा जाए तो हमारा जो भी अभी घूमे हैं उसमें सबसे अच्छा आपको क्या, तुम्हें क्या, तुझे क्या लगा? यहाँ का ये मीनारे हैं वो पुरानी है बट अच्छा है, और यहाँ एडवेंचर का मजा आएगा क्योंकि एक पतला रास्ता था, वहाँ गए, हमें डर भी लग रहा था बट पार कर बड़ा मुश्किल था। मुझे तो डर लगा था, मैं बैठ गया था, मैं वहाँ पे है कि नहीं, सही बात है, डर लग रहा था, बिल्कुल पतली जगह थी। तलाकी दरवाजा से कौन सी दरवाजा? तलाकी दरवाजा, हाँ वो नाम से तो है ना, तलाक तलाक है कि नहीं। यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, एडिट करते वक्त जो हमने जो कूपन जो लिया था ना, ये वाला कहाँ कुछ है, मेरे पास भी है, निकालना। ये जो टोकन जो लिया था, ये टोकन से एंट्री हुई थी, और यही टोकन मुझे अब दोबारा से मुझे यही टोकन अब मतलब उस पर लगाना पड़ेगा गेट पे, तो फिर एग्जिट होगा इसी से, है कि नहीं। ये अच्छा है सिस्टम, मेट्रो की तरह ही है, अगर आप मेट्रो में अगर सफ़र किया होगा उसके तरह ही सब जो है, इस टोकन से आपकी एंट्री होगी और एग्जिट भी इसी से होगी। एग्जिट करते हैं हम। ऑनलाइन जिन्होंने टिकट लिया, ऑनलाइन किया था, छोड़ो उसका यार, कितना लगा ऑनलाइन में? सस्ता पड़ता है। कितना पड़ा है ऑनलाइन में? कौन से वेबसाइट है? सही है, अब यहाँ से हम लोग अभी पुराने किले घूमे थे, और उसके बाद अब मैं जा रहा हूँ इंडिया गेट जा रहा हूँ। तो उस रास्ते में मैं सोचा चलो पैदल चलते हैं, तो उस रास्ते में मुझे ये उस रास्ते में ही वो पड़ता है, क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट पड़ता है, दिल्ली हाई कोर्ट, आप देख सकते हैं ये बोर्ड है दिल्ली हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट था पीछे। और यहाँ से लगभग आप अगर पुराने किला अगर घूमने आ रहे हो तो पुराने किला से आपको लगभग 1.5 किलोमीटर के करीब पड़ेगा ये। यहाँ से आपको पैदल भी जाना चाहो तो जा सकते हो, या तो कोई अगर गाड़ी मिलती है, बस मिलती है, तो आप उसे ले लो, है ना। तो मैं अभी पैदल ही जा रहा हूँ वहाँ तक। मैं सतांग भाई थका तो नहीं है ना? थका तो नहीं है ना? अब नहीं यार, घर पे जाने के बाद पता लगेगा। और भाई असलम तेरे? मैं तो कहता हूँ मतलब दो एक एक डेढ़ महीने में जब भी मतलब मौका मिले तो मतलब एक राउंड लगा ही लो, है ना। आउट ऑफ दिल्ली का प्लान करें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पता है क्या है, 110-105 रुपए किराया है, सुबह से शाम तक हम आ जाएंगे। आगरा गया कभी? आगरा हाँ मैं गया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अच्छा क्या मतलब का वहाँ पर रुका कैसे था, मतलब क्या स्टे का क्या था? सुबह गया शाम तक 3 घंटे, उसमें जाने से 3 घंटे का टिकट होता है, 3 घंटे आप घूम सकते हो, 3 घंटे के बाद एग्जिट है। यानी कि अगर आप आगरा उसमें जा रहे हो, अगर ताजमहल देखने जा रहे हो, तो आपका एग्जिट का भी टाइमिंग होता है ना? 3 घंटे सुप्रीम कोर्ट है ना, यानी एक टिकट का 3 घंटे रुक सकते हो। हाँ जी, अच्छा 3 घंटे के बाद आपको एग्जिट करना पड़ेगा। अच्छा ये भी चलो ये ध्यान में रखेंगे ना, क्योंकि बैठना नहीं, पहले घूम के फिर बैठ रहे ना, देख लेते।
यार रास्ते में आते आते हमें ये चिल्ड्रेन पार्क मिला, हमारे स्कूल में जो बच्चों के ले जाते थे चिल्ड्रेन पार्क वगैरह कहीं पे घुमाने दिल्ली में, है ना, हमेशा मतलब साल में एक बार भी वो आए ना हमें घुमाने स्कूल वाले, तो जितनी बार भी आए वो चिल्ड्रेन पार्क ही में ले गया, याद ताज़ा हो गया भाई। हाँ भाई, ये जो पीछे जो अपना चिल्ड्रेन पार्क जो था उसकी याद कैसी है तेरे बचपन में? स्कूल वाले लेके आते थे इसी चिल्ड्रेन पार्क में, ये रहा सामने, ये है ना चिल्ड्रेन पार्क। हाँ जी ये रहा, ये आप जैसे कि देख सकते हैं ये चिल्ड्रेन पार्क अंदर, और स्कूल वाले इसी में लेके आते थे बचपन में। तो अभी हम वहाँ गए हुए थे, इंडिया गेट गए हुए थे, लेकिन इंडिया गेट जो है सब बंद है, तो अब हमें फिर घर जाना पड़ रहा है। अब हम घर जाएंगे यहाँ पे 47 है, लेकिन यहाँ पे रास्ते में यहाँ पे बड़ौदा हाउस हमें मिल गया, अब यहीं पे देख रहे हैं, अब देखते हैं आगे क्या है। बड़ौदा हाउस में ही आगे की तरफ है, ये कुछ इंजन के टाइप लगा हुआ है, ये ट्रेन का मॉडल है, यहीं पे लगा हुआ बड़ौदा हाउस के बगल में लगा हुआ। नहीं नहीं बच्चे को नहीं, मत जाओ बेटा। ये पूरा ये इंजन है जो पहले वाला जो इंजन होता था, जो जैसी आवाज़ें जो आती थी बिल्कुल सेम टू सेम वही। ऐसे मॉडल होता था। जा रहे हैं बस स्टैंड, वहाँ से बस पकड़ेंगे। न्यायालय है यानी सुप्रीम कोर्ट है यहीं पे, ये बगल में सुप्रीम कोर्ट भी है। अभी राजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन पे हैं, अब इसके बाद जो है हम नारायणा मेट्रो स्टेशन जाएंगे। असलम जी भी ये साथ में ही है। ये राजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं नारायणा के लिए, नारायणा दिल्ली के एंड की तरफ जो गाड़ी जाती है, नारायणा के लिए हम लोग रुके हुए हैं, यहाँ से दिल्ली गेट के लिए जो गाड़ी मिलेगी उसके बाद एक स्टॉपेज बाद ही है, लगभग एक स्टॉपेज है, तो बस अब हम घर पहुँच चुके हैं। अब यही तक था आपका वीडियो, बाय।